पश्चिम बंगाल के साधुओं ने रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ साधुओं के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के विरोध में 24 मई को कोलकाता में रैली निकालने का फैसला किया है। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP और पश्चिम बंगाल में साधुओं के शीर्ष संस्था बंगीय सन्यासी समाज के सदस्य उत्तरी कोलकाता में संत स्वाभिमान यात्रा का आयोजन करेंगे। विहिप नेता सौरीश मुखर्जी ने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसे टिप्पणी कर रही है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल के साधु संत इन टिप्पणियों के खिलाफ रैली निकालेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में प्रभावशाली मठों के कुछ साधु चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के सेवाश्रम संघ के सन्यासी कार्तिक महाराज और आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम के प्रधान सन्यासी के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी की थी। सुश्री बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि वह कार्तिक महाराज को सन्यासी नहीं मानती हैं। कार्तिक महाराज मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजकर अपने बयान के लिए माफी मांगने को कह चुके हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के भारत सेवाश्रम संघ के प्रमुख कार्तिक महाराज सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्हें आशंका है कि आश्रम पर हमला हो सकता है। उन्होंने बताया कि आश्रम में तोड़फोड़ करने की धमकी मिली है, इसलिए आश्रम की सुरक्षा को लेकर वह चिंतित हैं।